हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज समोसा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। एक कटोरी मैदा ले लिए हैं, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। मोयन के लिए थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 2 चम्मच के करीब। अब आटा लगा लेंगे, तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा को सान लेते हैं। आलू का चोखा बनाने के लिए 1 चम्मच सरसों तेल ले लिए थे और 1 प्याज काट लिया, 2 हरी मिर्च। इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च 1 पिंच। अब इसे भी भून लेते हैं। मसाला और प्याज अच्छी तरह से भून गया है, तो अब एक एक आलू लेंगे और इस तरह से हाथ से तोड़ते हुए डाल देंगे। इसी तरह से सारे आलूओं को डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे इस तरह से। इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, इससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप इसके जगह काला नमक भी डाल सकते हैं। आमचूर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, इसके साथ भून लेते हैं और ये हमारा आलू का चोखा तैयार हो गया है। गैस बंद कर देते हैं। आटा का छोटा छोटा लोई बना लेते हैं पूरी के तरह। इस तरह से एक एक लोई ले लेंगे और इसे बेल लेंगे, लंबा आकार में बेलेंगे। इस तरह से लंबा आकार में बेलेंगे। रोटी के तरह पतला साइज में बेल लीजिए, लंबाई में बेलेंगे। इसे चाकू ले लेंगे और इसे 2 भाग में कट कर देंगे, बीच से काट देंगे और 1 भाग को लेंगे हाथ में, को लेंगे और इसके किनारे पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इस तरह से कोन बना देंगे। इस तरह से कोन बनाएंगे। अब इसमें आलू का मसाला भर, इसमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे आलू का और भर देंगे इस कोन में। इस तरह से भरेंगे। और हल्का सा पानी और लगा लेंगे जरूरत पड़ेगा तो, और इस तरह से इसको मोड़ देंगे। ये देखिए हमारा समोसा तैयार हो गया। इसी तरह से सभी समोसों को भर लेंगे मसाला डाल के और इस तरह से रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से इसको मोड़ेंगे, पानी लगा दिए हैं और कटा वाला भाग को नीचे रखेंगे और इस तरह से कोन बना देंगे। अब इसमें मसाला भर देंगे। पानी लगा देंगे किनारे और अच्छी तरह से इसको चिपका देंगे। समोसा तैयार हो गया। इस तरह से समोसा भर के रख लिए हैं। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तेल गरम हो गया है,
गैस को सिम में कर देंगे, तेल अगर अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो गैस को कम कर देना है। अब एक एक समोसा को डालते जाएंगे इस तरह से, इसे दोनों तरफ से पलट लेंगे। ये देखिए उस साइड हो गया है, तो इसे इस तरह से पलट देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। इसका कलर चेंज हो गया है, समोसा निकाल लिए, हो गया था ये। और इधर दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दिए हैं। समोसा के साथ साथ गर्मा गर्म चाय। समोसा बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।